जगदीश टाइटलर दा सिख नसल कुशी च कोई रोल नहीं सी। टाइटलर बेकसूर है, कांग्रेस दा 84 नाल कोई लेना देना नहीं है। ए कोई होर नहीं, पंजाब दे राखे कहाउण वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे ने। कैप्टन दा कहना है कि ओ खुद 1 नवंबर तो 4 नवंबर तक दिल्ली च सन अते उन्होंने उन्हां गुरद्वारियां च बने कैंपां च लोकां कोलों पुछ पड़ताल कीती सी, पर किसी ने उत्थे टाइटलर दा नां नहीं लिया अते इसे लई टाइटलर बेकसूर ने। शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां लोकां कोल नहीं गए जिन्हां दे परिवार मारे गए, जिन्हां दीआं धीआं दी इज्जत लुट्टी गई। चलो मन लिया जावे कि टाइटलर जां कांग्रेस इस नसल कुशी च शामिल नहीं ने। उधर जदों दिल्ली च मारे गए सिखां दे परिवारां नाल पंजाब न्यूज़ ने गल कीती तां उन्हां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पुछया कि कैप्टन साहब ये दसण कि गुंडियां नूं वोटर लिस्टां किने दित्तियां, कैरोसीन किने लिया के दिता, शराब दीआं बोतलां किने दित्तियां अते किने कहा सी कि जदों कोई वड्डा दरख्त डिगदा है उदों धरती तां हिलदी है। शायद राजीव गांधी उदों कांग्रेस च नहीं होणे तां करके कैप्टन साहब नूं लगदा है कि कांग्रेस दा इस कतलेआम च कोई हथ नहीं सी। चलो ये तां दस दिओ कि पुलिस ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं कीती सी ते क्यों शरेआम 3 दिन इंसानियत दा नंगा नाच उत्थे हुंदा रहा अते क्यों सिखां दा कतल हर घंटे हर मिंट हुंदा रहा। क्यों किसे कांग्रेसी लीडर नूं सिखां ते होए कतलां दा अफसोस अज तक नहीं होया। क्यों अज तक खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह नहीं कहा कि दोषियों नूं सजा दित्ती जानी चाहीदी है। क्यों उन्होंने नसल कुशी दे विरोध च कोई प्रदर्शन नहीं कीते अते क्यों उन्होंने इस नसल कुशी दे विरोध च कदे कोई आवाज नहीं चक्की। अजिहे क्यों बहुत सारे ने जिन्हां दा जवाब शायद ना ही मिले, क्योंकि इंसाफ दी गुहार तां कोई लीडर नहीं ला रहा, सगों एक दूजे दीआं सफाइयां देण ते सारे लीडर लगे हुए ने। मैं बता रहा हूं कि जब मैं 4 दिन पहली तारीख से लेकर 4 तारीख तक दिल्ली के कैंपों में गया था, जो हमारे गुरुद्वारे साहिबानों में कैंप थे, और लोगों को मिला, मैंने बहुत नाम सुने, जगदीश टाइटलर का नाम नहीं सुना। मैंने ये अपने इलेक्शन के टाइम भी अमृतसर कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब न्यूज़।